नमस्कार, आप देख रहे हैं नुक्कड़ ज्योति चैनल में आपके साथ प्रियंका। जैतसर से हमारे संवाददाता पवन नंदा ने बताया कि जैतसर में महामारी कोरोना को हराने के लिए वह लॉकडाउन की पालना को लेकर ग्रामीण जागरूक व सतर्क हो गए हैं। जैतसर में एक दिन छोड़कर बाजार में खाद्यान्न, किराना, सब्जी आदि की ढील दी जाती है। इस दौरान सोमवार को 30वें दिन कृषि, औजार व मिस्त्री की कुछ दुकानों को छोड़कर बाजार पूर्णतया बंद रहा। जैतसर गांधी चौक में पुलिस जाब्ता तैनात। थाना प्रभारी दिगपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन इस समय हर गतिविधि पर हर तरह की नजर रख रहा है। जैतसर में अनावश्यक रूप से आने वाले वाहनों की रोकथाम कर पुलिस कार्रवाई की जा रही है। गांधी चौक के अलावा धान मंडी व 5 की पुली पर नाकाबंदी कर रखी है। जैतसर सरपंच रविंद्र बागला के आदेश पर जैतसर के समस्त वार्डों को डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों के सहयोग से सैनिटाइजर कर दिया है। इसके साथ रविंद्र बागला ने बताया कि पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हुए विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से छाया पानी की व्यवस्था की गई है। कहाँ का कौन सी जगह करवाया है? पूरी मंडी में 7 गांव है, एक भी आबादी जिसे डेरा सच्चा सौदा से वाले जो जमी है उनसे पूरी मंडी में उनके के द्वारा ऑल ओवर मंडी में हमने सैनिटाइजर करवा दिया है। जहाँ पुलिस पॉइंट बने हुए हैं उनकी सुविधाओं के लिए क्या किया गया सर आपने? उनकी सुविधाओं के लिए वहाँ टेंट की, सैनिटाइजर की सारी व्यवस्था, उनकी छाव की सारी व्यवस्था हमने करवा के दी है पंचायत की तरफ से, और जो सामाजिक संस्था है उनके सहयोग से सारा काम हो रहा है ग्राम पंचायत जैसे। तो सर जैसे ये सफाई कर्मचारी हैं तो उनकी शिकायतें हैं कि 3 महीने से उनको वेतन नहीं मिला है सर। ऐसा कुछ नहीं है जी, हर एक महीने उनको वेतन, उनकी 1 तारीख को वेतन उनके खाते में डल जाता है, और जो लास्ट महीने का जो वेतन है अभी हमने 1 तारीख को डलवा दिया उनके खाते में।